हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, किस तरह से आपको फिलअप करना होगा, कौन कौन लोग यहाँ पे एलिजिबल करेंगे इस जॉब के लिए। तो मैं भी आपको डिटेल्स में सब कुछ यहाँ पे बोलूँगा। तो दोस्तों, इसके पहले अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर वक्त जॉब रिगार्डिंग जो वीडियोज़ होता है मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, पहले आपको इस पेज में आपको आना होगा। तो इस पेज में आने के लिए मैं इसका जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को वहां से मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, नीचे जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो जो दिया हुआ है, यहाँ पे वन बाय वन मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बोल देता हूँ। तो दोस्तों, फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है यहाँ पे, फैकल्टी एट RSETI बाय रीजनल ऑफिस पुणे डी पानिया। लास्ट डेट जो है यहाँ पे 17 नवंबर 2018। उसके बाद जो पोस्ट निकला हुआ है यहाँ पे, एंगेजमेंट फॉर द फैकल्टी एंड ऑफिस असिस्टेंट फॉर RSETIS रूरल स्टेट एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुजफ्फरपुर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक फॉर द ईयर 2018 एंड 19। इसका भी लास्ट डेट जो एप्लीकेशन है वो 17 नवंबर 2018 में है। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट काउंसलर FLCC सरन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द ईयर ऑफ 2018 और 2019। लास्ट डेट इसका सेम रहेगा। इसके बाद जो है एंगेजमेंट ऑफ काउंसलर FLCC 1 FLCC कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर एंड अटेंडेंट वन ऑफ RSETI रूरल एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट दियोरिया डिस्ट्रिक्ट दियोरिया स्टेट उत्तर प्रदेश ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। इसका भी आपको जो लास्ट डेट है 15 नवंबर 2018। तो दोस्तों, इसके बाद जो पोस्ट है यहाँ पे, एंगेजमेंट ऑफ रिटायर्ड बैंक एग्जीक्यूटिव सर्विंग ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड इंटरनल ऑम्बसमैन ऑफ द बैंक। इसका भी लास्ट डेट है 15 नवंबर 2018। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको कोई भी एक पोस्ट ले यानी के वन बाय वन एक जो कि पोस्ट है यहाँ पे, मैं डाउनलोड करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आप जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल के जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था मैं उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन है मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगा किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन लोग जो कि यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो कि है 17 नवंबर 2018। आपको यहाँ पे ऑफलाइन मोड आपको यहाँ पे ऑफलाइन में आपको जो कि है एप्लीकेशन करना होगा। पोस्ट है फैकल्टी, एज लिमिट रहेगा 65 तक आप अप्लाई कर सकते। क्वालिफिकेशन चाहिए आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ अगर आपके पास बीए और बीएड के डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर के नॉलेज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कि सेकेंड पोस्ट जो है ऑफिस असिस्टेंट, जिसका आप 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आपको BA BCom विथ कंप्यूटर नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से जो कि आपको अप्लाई करना होगा। इससे पहले आपको यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा आपको फैकल्टी के लिए 20,000 पर मंथ एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12,000 पर मंथ आपका यहाँ पे जो सैलरी रहेगा। इसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपको यहाँ पे इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पे जो आपको सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो कि है यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देना होगा, आपको यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका जो ऑफिशियल फॉर्म जो है यहाँ पे चलाया है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करके आपको सबमिट करना होगा। तो देख सकते हैं आपको यहाँ आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना होगा, उसके बाद आपका नाम, एड्रेस,
पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो आप दे सकते पर्सन डिसेबिलिटी। इस तरह से आपका एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, इस तरह से इस फॉर्म को जो कि यहाँ पे आपका एडुकेशनल जो कि जो भी डिटेल्स है यहाँ पे आपको देना होगा। उसके साथ साथ अगर कोई भी आपको एक्सपीरियंस है आप तब वो भी दे सकते। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अगर कोई भी ये जो फॉर्म है आपको ये सब फिलअप करना होगा, उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। तो सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक एड्रेस दिया हुआ है, आपको उस एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। तो दोस्तों एड्रेस जो है यहाँ पे, एड्रेस जो है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा एड्रेस में आपको ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करना हो, क्योंकि ये फॉर्म जो है ऑनलाइन में आपको जाके डाउनलोड कर ऑनलाइन में जाके आपको डाउनलोड करके ये फॉर्म आपको ऑफलाइन भेजना होगा। तो जो यहाँ पे एड्रेस है पुणे पर्निया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिलीजन ऑफिस एड्रेस शिव भवन भाट्राबाजार पन्निया 8584301, इस एड्रेस में आपको ये जो फॉर्म है आपको सबमिट करना होगा। ध्यान है आपको सबमिट करना होगा 17 नवंबर 2018 के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद जो सेकंड पोस्ट निकला हुआ था उसके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पे जो सेकंड पोस्ट है एंगेजमेंट ऑफ फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, उसके पहले जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंगेजमेंट जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद जो और पोस्ट निकला हुआ है आपको इस तरह से आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे जो और है FLCC सरन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ द ईयर जो है इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद इसका भी जो डिटेल्स है मैं यहाँ इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट निकला हुआ है डायरेक्टर RSET काउंसलर, इसके लिए आपको 65 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है आप तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका 15,000 जो कि सैलरी रहेगा पर मंथ, और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जो कि यहाँ पे आपको इंटरव्यू के थ्रू, और एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देना होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे और एक फॉर्म जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फिलअप करके आपको इस एड्रेस में आपको सेंड करना होगा। एड्रेस जो है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो एड्रेस है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ काउंसलर FLCC सरन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिलीजन ऑफिस एड्रेस मुजफ्फरपुर पावापुरी बिहार कॉम्प्लेक्स भगवानपुर मुजफ्फरपुर 84201, इस एड्रेस में आपको देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट निकला हुआ है आप सब पोस्ट के लिए इस तरह से आपको फिलअप करना होगा। ऑनलाइन में आपको जाके ऑफलाइन में जाके आपको इसको सबमिट करना होगा। तो इस तरह से आप जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका, ये था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।